आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16। दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 16 है। इफ 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर बाई 4 देन द टू नंबर्स आर। अब देखो इसमें फिर से नंबर पूछ रहा है सिर्फ ऑप्शन में, तो जब भी नंबर पूछने का मतलब क्या, नंबर ऑलरेडी उसने दे रखा है ऑप्शन में, तो सिर्फ हम डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 9 and 25। अब कंडीशन क्या है कि जो दोनों का डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर 16 है, 25 और 9 के बीच के डिफरेंस 16 है। तो पहली बात हम देखें कि जितने चार ऑप्शन है इसमें सब में डिफरेंस कितना है, 16 है। सिर्फ किसको छोड़ करके, सिर्फ डी वाले को ऑप्शन को छोड़ करके सब में डिफरेंस कितना है, 16 है। तो डी वाला तो हो गया ही नहीं। अब बचे सिर्फ कौन कौन से ऑप्शन बचे इसमें से, पहला और दूसरा और तीसरा, तीन ऑप्शन में अब हमको चेक करना है कौन सा होगा। डी तो होगा ही नहीं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 16 नहीं है। तो ए है, दूसरा ऑप्शन क्या है 12 and 28 और तीसरा ऑप्शन है 33 and 49। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन सिर्फ बची, हमको दूसरी कंडीशन ही चेक करना है। 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का 1/3 मीन्स 9/3 और 25 का 7th, 25/7। अब ये तो चलो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो इनके बीच का डिफरेंस 16, तो इनके बीच का डिफरेंस कभी 1/7 लार्जर नंबर इज बाई 40/4। तो 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसका 1/3 लिया तो 3 आया, और इसका 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, तो कभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरे में क्या है, इसका 1/3 लिया तो आ गया 4, इसका 1/7 लिया तो आ गया 4, तो ये दोनों तो इक्वल है। बट होना क्या चाहिए कि जो 1/3 है स्मॉलर नंबर का और ग्रेटर नंबर का जो 1/7 है ऑफ द लार्जर नंबर बाई 4। ठीक है, मतलब जो इस छोटा वाला है ये 4 उससे ज्यादा होना चाहिए 7th वाले पार्ट से, तो इसमें तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये भी जो है सही नहीं है। इस वाले में इसका 1/3 लिया, इसका 1/7 लिया, तो 1/3 लिया तो आ गया ये 11, इसका 1/7 लिया तो आ गया 7। तो वही उसने बोला कि स्मॉलर का 1/3 जो है ग्रेटर के 1/7 से 4 ज्यादा है, तो 11 जो है 7 से क्या है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला, सिर्फ ये सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और जो पहला दूसरा ऑप्शन है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले ऑप्शन में तो इसका 1/7 निकल ही नहीं रहा है, ये तो फ्रैक्शन बन जाएगा। दूसरे वाले में चलो दोनों का निकला, लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि स्मॉलर का 1/3 इस वाले से 4 ग्रेटर होना चाहिए, जो इसका 1/7 आएगा, इसलिए ये वाला फेल हो गया। थर्ड वाले में इसका 1/3 11 है और इसका 1/7 7 है, जो कि 4 जो इसका 1/3 है वो इसके 1/7 से 4 ज्यादा है। यही हमारी सेकंड कंडीशन है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।